बीकानेर में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएसएफ की पहल पर पहली बार श्री डूंगर सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन डूंगर कॉलेज में किया गया, जिसका शुभारंभ बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने किया। प्रतियोगिता में दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के 30 गोल्फर ने हिस्सा लिया। पब्लिक के साथ कांटेक्ट बना रही है, बिकॉज हम लोग बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे हमारा जो है आम पब्लिक के साथ कांटेक्ट रहता है, तो उसी के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीकानेर में हमने सांचू बॉर्डर खुलाया आम पब्लिक के लिए। अब आप बॉर्डर जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी हमने पब्लिक रीच, पब्लिक को हम जो जोड़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ताकि स्पोर्ट्स के अंदर और ये लोग अच्छा करें। और ये जो गोल्फ कोर्स है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस गोल्फ कोर्स को जो है हमने जितने भी हमारे हीरोज़ थे इंडिपेंडेंस से पहले, उनको डेडिकेट किया है। उसके बाद 71 वॉर 65 की लड़ाई में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ऑफिसर शहीद हुए थे, उनको ये डेडिकेट किया है गोल्फ कोर्स। और डूंगर कॉलेज जो है वो हमारे सबसे नज़दीक कॉलेज है हमारे कैंपस के, वहाँ के प्रिंसिपल साहब सिंह साहब से हमने कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि सर हम डूंगर सिंह जी के नाम पर एक डूंगर सिंह मेमोरियल एक गोल्फ टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से जितने भी यहाँ के स्कूल के इनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, वो सब इस गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लिया उन्होंने, और उनको पता चला गोल्फ क्या है। आजकल जो है स्कूल कॉलेज के अंदर गोल्फ भी एक स्पोर्ट्स इवेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, आपको पता है तो। लेकिन ये प्लेइंग फैसिलिटीज़ हर एक किसी को मुहैया नहीं हो सकती और मिल नहीं सकती। हमने ये आम पब्लिक के लिए खोला है, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए खोला, कि जो भी यहाँ खेलना चाहता है वो आए हमारे यहाँ पे गोल्फ सीखे। हम उनको बिल्कुल जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री जो है मिनिमम जो है दाम में उनको हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए ये ग्राउंड देंगे, और हम लोग इन कॉलेज के साथ कोई एमओयू भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, गोल्फ के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। ये मकसद है ये टूर्नामेंट कराने का। इस तरह से हम लोग इस तरह से हम टूर्नामेंट कराते रहेंगे।